अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। मैलाडियोपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके पट्टापल्ली में AIMIM एक्टिव वर्कर जिसका नाम असद खान है, कुछ नामालूम अफराद ने इन पे खातिलाना हमला करके इन्हें कत्ल करके राह फरारी इख्तियार की है। और कुछ जराए से हमें ये मालूम हुआ है कि असद खान पहले भी एक कत्ल के केस में मलविस है। अब नाजरीन, मुसलसल कत्ल की वारदातें पेश आ रही हैं और कौन किसको मार रहा है? एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है, कोई कत्ल का बदला ले रहा है तो कोई जरी सी बात पर कत्ल कर दे रहा है। आखिर ये कब तक चलेगा? क्या ये क़यामत के आसार है? अब आप देखिए, आए दिन कत्ल की वारदातें पेश आ रही है। पुलिस काउंसलिंग के नाम पर रोडियों को बुला के अच्छी सी बातें करके उन्हें भेज रही है। हालांकि गुंडों से रोडियों से फ्रेंडली है और आम आदमी से फ्रेंडली नहीं। अब आप देखिए, ऐसे कत्ल कितने होते रहेंगे? क्यों नहीं कॉर्डन सर्च करके घरों से हथियार बरामद किया जाए? अब आप देखिए इस कत्ल में कैसे कत्ते इस्तेमाल किए गए हैं, खुले आम कत्ल कर रहे हैं, कातिलों को ज़रा भी डर नहीं है पुलिस का और कानून का। मैलाडियोपल्ली पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। इस मौके पर AIMIM के राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग और शास्त्रीपुरम के कॉरपोरेटर मुबीन भी मौजूद थे और दूसरे AIMIM के कई लीडर्स इस मौके वारदात पर पहुंच चुके थे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की ये रिपोर्ट। आज मैलाडियोपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक कत्ल हुआ। यहीं दरमियान 1:30 बजे के दरमियान एक कत्ल हुआ था। वो कत्ल में असद खान बोलकर यहाँ का मैलाडियोपल्ली रेजिडेंट है, यहाँ का ही, वो बुलेट पे आ रहा था वहाँ से। वो और उसका और एक पिलियन राइडर भी है, एक ऑटो से उसको डैश दे के वो लोगों को स्टॉप करे। स्टॉप करते ही 4-5 लोग ऊपर गिर के उसको कत्ल करे। हाँ, ये कत्ल करने का वजह हम लोग क्या समझ रहे बोले तो 2018 में ये आज कत्ल हुआ सो असद खान 2018 एक केस में एक्यूज्ड है। वो केस में अमजद खान को ये असद खान और लाइफर कलील पूरे लोग मिलके मारे थे। उसमें वो ये बनता उसके ऊपर असद खान के ऊपर हम लोग रॉडी शीट भी ओपन करे वो टाइम पे और पीडी एक्ट भी डाले थे। वो आने के बाद ये बीच में ऑलमोस्ट ऑल 2 ईयर्स के बाद आज फिर ये उसका बदले में क्यों बोले तो रिटालिएशन में ये कत्ल हुआ बोलकर हम लोग समझ रहे। हम लोग वो लोगों को जब कैसा भी पकड़ेंगे, पकड़ के हिरासत में कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। 4-5 मेंबर्स होंगे। सर, कोई जख्मी भी है सर इसमें? हाँ, एक आई विटनेस है इसमें। आई विटनेस है जो जख्मी हॉस्पिटल ले गए। बहुत बहुत छोटा जख्मी है। शुक्रिया सर, थैंक यू। वाह वाह, थैंक यू सर। तकरीबन 12 और 1 के दरमियान में पट्टापल्ली मेन रोड इंडियाना गार्डन असद खान साहब का मर्डर हुआ और उसकी जिला मिलते ही सदर मोहतरम समाज परिषद समिति साहब की डायरेक्ट का मैं और हमारे पार्टनर साहब जनाब मोहम्मद साहब आए और यहाँ से डेड बॉडी को घुमाने के लिए शिफ्ट किए हैं और पुलिस के आला अधिकारियों से बात की जा रही है। मना करेगा क्योंकि मुझे सत्या जब कभी भी गरीबों का होता है नाजायज के मसला होते हैं बराबर मरम्मत करती है। आज भी मेरे पीछे सब सरकार का मदद बढ़ाया गया है। सालों से पुलिस के चर्चावास के बात किया गया है। ऐसा दिन दहाड़े मेन रोड के ऊपर मदद करे आए हैं और हमेशा बार रहा मंजी सत्याद्री मुस्लिम पुलिस कमिश्नर सैबराबाद से भी नुमाइंदगी कर रही है। जैसा आप लाइन ऑर्डर को कंट्रोल कर रही है। यहाँ पर आए दिन मैलाडियोपल्ली पुलिस के लिमिट में या राजेंद्र नगर पुलिस के लिमिट में मर्डर होते जा रहे हैं और इसमें मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि इस
इसके ऊपर पुलिस तहकीकात करे, खादिम को जल्द से जल्द। सर मजलिस के सरगर्म कारकुनों का ऐसा दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, तो इस हिसाब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से क्या इकदाम रहेंगे आगे चल के? अभी तहकीकात करें पुलिस, तहकीकात करे बाद उसके बाद बात। तो साहब ये रिवेंज का मसला है, क्या मसला है साहब? इन्होंने एक लाइफर कलीम और उनका मेंबर्स को मिला के इनको मर्डर किया था, उसके रिवेंज जैसा अभी आज इनका मर्डर हुआ दिख रहे है। आसाद खान के आज वो बाइक के ऊपर एक और उनके साथी के साथ जा रहा था, तब उनका एक्सीडेंट करके एक मर्डर किया जैसे दिख रहे है सीसीटीवी में, और अब तक चार लोग उसमें पहचान में आया है, और वो फैमिली डिस्प्यूट में मर्डर हुआ जैसा दिख रहा है, और इनके ऊपर पहले भी एक पीडीएक्ट भी डाला था, पीडीएक्ट के बाद में वो बाहर निकला था जेल से, और जो जो अक्यूज है सबको पकड़ के जेल में डाल के उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा। सर मैलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन में ये कंटिन्यूसली मर्डर होते जा रहे हैं, इसका आप लोग जो है तो कुछ सख्त नोट क्यों नहीं ले रहे? नहीं, दिस इज़ ए रिवेंज किलिंग, इट इज़ अ फैमिली बेस्ड डिस्प्यूट, बट फिर भी हम सर्वेलेंस बढ़ा रहे हैं और रोडी शीट वगैरह के ऊपर पीडीएक्ट भी डाल रहे हैं, इनके ऊपर भी जो मर्डर हुआ उनके ऊपर भी पीडीएक्ट था, पीडीएक्ट के बाद में वो बाहर से रिलीज हुआ था। पूरा पूरा एरिया में राजेंद्र नगर आप तेलुगु में देखते हैं एरिया लो सारे सवाल ये सर अभी इनके साथ में और कोई जख्मी है सर? तेलुगु में दे दीजिए सर, कोई और जख्मी है सर इनके साथ? जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैन अल्कवामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल, वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150 अतापुर हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की, 7H न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।